इस समय की वड्डी खबर नंगल तो सामने आ रही है जिथे कि नंगल दे विच गैस लीक नूं लैके डर दा माहौल पाया जा रहा है। दस्या जा रहा है कि सैंट सोल्जर स्कूल दे विच पढ़न वाले बच्चों साह लैण दे विच दिक्कत आ रही है जिस करके वो काफ़ी डरे हुए ने। परिवारक मैंबरां नूं जिवें ही इस घटना की जानकारी मिली तो परिवारक मैंबर भी स्कूल विच पहुँच चुके ने। जिक्रयोग है कि जिन्हां बच्चों साह लैण दे विच दिक्कत आ रही है उन्होंने इलाज के लिए हस्पताल पहुँचा दिता गया है। दूसरे पासे परिवारक मैंबर भी बच्चों नूं मिलन दे लई स्कूल पहुँच रहे ने। प्रशासन भी सैंट सोल्जर स्कूल पहुँच चुका है और जांच पड़ताल की जा रही है कितों की गैस लीक हुई है इस दे बारे जांच पड़ताल की जा रही है। दसनयोग है कि स्कूल के नेड़े ही PACL फैक्ट्री भी पैंदी है जिसनों लैके पिंड वासियों ने कई बार प्रदर्शन भी किया है पर इसका कोई हल नहीं निकलिया। परिवारक मैंबर स्कूल विच पहुंच के अपने बच्चों घर ले जा रहे हैं। जिक्र योग है कि उत्थे इस घटना की जानकारी मिलने तो बाद मंत्री हरजोत बैंस भी स्कूल पहुंचे और बच्चों के नाल उन्होंने मिल के उन्होंने हाल चाल जानिया। इस मौके वह बच्चों को हौसला देंदे हुए नजर आए कि वह खुद बच्चों उन्होंने घर छड़ के आएंगे क्योंकि बच्चे इस वेले काफ़ी घबराए हुए सन और वह घर जाने की मांग बार बार कर रहे सन जिस तों बाद मंत्री हरजोत बैंस उन्होंने हौसला देंदे हुए नज़र आए। ब्यूरो रिपोर्ट अज की आवाज़। अज सवेरे ही तकरीबन 8:30 बजे फोन आया सीगा कि शायद कितों कोई गैस लीक हुई है तो स्कूल दे विच छुट्टी कर दी गई है। पर लेकिन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बहुत प्रशंसा करूँगा कि इन्होंने एहतियात फिर भी वरतते हुए फटाफट इन्होंने एक्शन लिया। तहसीलदार साहब ने कॉल की, पुलिस ने कॉल की, सिविल हस्पताल SOM साहब ने कॉल की, सारे तुरंत ही एक्शन लेंदे हुए 15-20 मिनट के अंदर सारा प्रशासन इतने पहुँच गया और स्कूल प्रशासन ने जी छुट्टी करती है। बच्चों से इस टाइम असं जो देख रहे सिर्फ एक घबराहट का माहौल है, पैनिक क्रिएट हो गया और कोई ज़्यादा घबराने वाली गल नहीं। कोई बच्चा एदा गंभीर रूप से कोई घायल नहीं है, कोई इदा दे कोई उन्होंने बीमारी नहीं है। सिर्फ गैस का हजे कोई सोर्स पता नहीं लग्या, कोई सूत्र दसते हैं कोई सुनने से इदा ही आया कि फैक्ट्री चो कितों गैस कोई लीक हुई है और पिंड वाले आस पास वाले दसते कि इदा रूटीन से हुंदा रहिंदा। असीं पहलां भी इहदे खिलाफ धरने लाते रहे लेकिन प्रशासन कोई गल सुनता नहीं है। मैं सवेरे 8 बजे तो गेट पर खड़िया है, खुद मेरी 70 साल की उम्र है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे टीचर भी सारे नाल है। 2-3 बच्चों को जरूर प्रॉब्लम हुई है ब्रीदिंग की, उन्होंने इमीडिएटली असी एम्बूलेंस हॉस्पिटल भेजता है NFL हॉस्पिटल और सिविल हस्पताल च। बाकी पैनिक क्रिएट किया गया है, पता नहीं कोई बेस्ट इंटरेस्ट करके बाकी स्कूल से छुट्टी कर दी गई है, बाकी सब ठीक ठाक है। गैस यह नहीं पता, सोर्स नहीं पता चलता, पर स्कूल च नहीं आई है गैस। पंजाब दीयां वड्डियां अते ताज़ा खबरां दे लई अज दी आवाज़ दे फेसबुक पेज नूं लाइक करो, पेज फॉलो कर अपने दोस्तां दे नाल सांझा करो। देश विदेश नाल जुड़ियां हर तरह दीयां खबरां लई तुसीं साडे यूट्यूब चैनल अज दी आवाज़ नूं सबसक्राइब करो। हर एक तरह की लेटेस्ट ब्रेकिंग खबर लिए सानू तुसी इंस्टाग्राम दे उते भी फॉलो करो। देश विदेश की हर एक तरह की खबर हुन तुहानू मिलेगी सिर्फ आज दी आवाज़ दे उते। तुसी आज दी आवाज़ दा ई पेपर एडिशन पढ़ने लिए साड़ी वैबसाइट दे उते भी विजिट कर सकते हो। कैनेडा होवे या फिर इंग्लैंड, अमेरिका होवे या फिर आस्ट्रेलिया, पंजाबी भाईचारे नाल जुड़ी हर एक खबर पहुँचाई जाएगी तुहाडे तक। चुके जाणगे मसले, होवेगी हक दी गल। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਖ਼ਬਾਰ।